बात करते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जीएसटीएन की तरफ से रिगार्डिंग वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वैलिडेट करना जीएसटीएन में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो आपको कोई भी रिफंड जो है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इस अपडेट को जरा डिटेल में समझते हैं कि इस अपडेट का क्या सिग्निफिकेंस है और इस अपडेट को अब मैंडेटरी रूप से क्यों इंप्लीमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, जीएसटीएन जो है अब डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, लाइक पीएफएमएस हो गया, एनपीसीआई हो गया है, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट्स हैं, कस्टम्स का आइस गेट है, उनके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहा है। ये जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है जीएसटीएन ने, इसमें कहा गया है कि आप अपनी जीएसटी का जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसकी हेल्प से लॉगिन करेंगे और प्रोफाइल पर जाकर अपना बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक करेंगे। बैंक अकाउंट का स्टेटस एज पर जीएसटीएन या तो होगा सक्सेस या सक्सेस विद सम रिमार्क्स, या वैलिडेशन पेंडिंग होगा या फेल्ड होगा, यानी वैलिडेशन फेल हो गया है। आपको ये इंपॉर्टेंट रूप से चेक करना है कि अगर आपका बैंक अकाउंट सक्सेस है, ओनली सक्सेस है, तो उस पर रिमार्क्स आ रहे हैं कि बैंक अकाउंट वैलिडेटेड सक्सेसफुली एंड यू कैन यूज दिस बैंक अकाउंट फॉर गेटिंग रिफंड्स। इसका मतलब अगर आपका पहला स्टेटस है सक्सेस विदाउट एनी रिमार्क्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट का वैलिडेशन सक्सेस विद सम रिमार्क्स है, तो इसका मतलब आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करने की आवश्यकता है। आपका वो जो बैंक है, वो जो एनपीसीआई की लिस्ट है, उसमें नहीं आता है। लेकिन अगर आपका पेंडिंग है वैलिडेशन के लिए, इसका मतलब आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा और जैसे ही आपका बैंक वैलिडेट होगा आप उसमें रिफंड्स ले सकते हैं। लेकिन अगर वैलिडेशन फेल हो गया है, तो इसका मतलब है कि या तो आपका पैन नंबर जीएसटीएन में करेक्ट नहीं है, या आपका जो पैन नंबर जीएसटीएन में है और बैंक अकाउंट में है वो दोनों डिफरेंट हैं, यानी वो अलग अलग हैं, आपको केवाईसी करने की जरूरत है, सिमिलर अकाउंट अपडेट करने की जरूरत है, या फिर आपका बैंक अकाउंट में केवाईसी कंप्लीट नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं तो आपको इमिजिएटली अपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं और अपने बैंक अकाउंट को ठीक करना है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, एडवाइजरी थी जीएसटीएन की तरफ से, जिसमें बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए कहा गया है। आई होप You have enjoyed this video. Thank you so much for